मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आप सब लोगों को जब ये पता है कि मिस्टर रवि कपूर यहाँ पर नहीं है, वह 10 सालों में पहली बार काठमांडू में अपनी बीवी के साथ गए हैं। उनकी इकलौती बेटी जिसका आज जन्मदिन है, वो ऑलरेडी पोखरा में अपने स्कूल के ट्रिप के साथ गई हुई है। ये सब जानते हुए आप सब लोगों ने आज मीटिंग क्यों रखी? इसलिए कि कल तक बहुत देर हो जाएगी मिस्टर कुमार, हमारे शेयर मार्केट के बिजनेस में तो 1 मिनट में लाखों करोड़ों का उतार चढ़ाव हो जाता है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। मॉर्निंग मॉर्निंग, आई एम सॉरी आई एम लेट, फ्लाइट वाज़न्ट ऑन टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुमार, आपका टेलेक्स मिला, फौरन चला है। ये बात दूसरी है कि आपकी भाभी नाराज है मुझसे भी और आप लोगों से भी। राइट, शुड वी प्रोसीड मिस्टर कुमार? पूरे मार्केट में अफवाह फैल रही है कि मात्रे टूल्स अपना प्लांट बंद कर रही है और कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, इसलिए उनकी कंपनी के शेयरों का भाव गिरता चला जा रहा है सर। अगर ऐसे में हमने अपने शेयर्स बेच दिए तो हमारे ब्रोकर्स क्या कहते हैं, कितना नुकसान होगा? एक शेयर के पीछे 100 रुपए सर। और अगर हमने शेयर्स नहीं बेचे तो क्या भाव गिरना बंद हो जाएगा? या मार्केट में खबर फैलते ही कि हम अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं तो भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा? आई मीन जेंटलमैन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कुमार, यस सर, आप इस मात्रे को फोन कीजिए और कहिए कि मैं उनसे बात करूंगा। राइट सर। मिस्टर आहूजा। एक्सक्यूज मी सर, काठमांडू से आपका फोन आया है। आई विल टेक इट देयर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, आप पहुंच गए ना? हाँ, फ्लाइट लेट हो गई। वापस तो दोपहर की फ्लाइट से ही आ रहे हो ना? क्या बात कर रही हो, मीटिंग अभी शुरू है, बोर्ड डायरेक्टर्स अभी बैठे हैं। वो सब मैं नहीं जानती, आपको दोपहर की फ्लाइट से ही वापस आना होगा। That's not possible, Anita. क्यों? देखो, अगर मीटिंग खत्म हो गई तो मैं रॉयल नेपाल की दोपहर की फ्लाइट से आ जाऊंगा, जो मुमकिन नहीं है। नहीं तो मैं सुबह इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आ ही रहा हूँ। बस यार, ये लो। थैंक यू। अनीता, देखो मैं डॉल लाया हूं गीतू के बर्थडे के लिए। अनीता, अनीता, गीता बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज खेलोगी नहीं क्या? देखिए ना टीचर, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पापा मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। गीता, तुम्हारे पापा का फोन है, जल्दी आओ। पापा का फोन है। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू डार्लिंग? आप जाएं जितना भी मसका लगा, मगर मैं आपसे बोलूंगी नहीं। क्यों भी, क्या हुआ मेरी रानी को? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे जन्मदिन पर आएंगे। आ गया हूँ, यहाँ काठमांडू से बोल रहा हूँ और बहुत जल्द पोखरा आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डॉल खरीदी है। सच्ची पापा? कैसी है डॉल? बहुत अच्छी, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी वहाँ पहुँच गई? नहीं तो। मम्मी नहीं पहुँची? नहीं पापा। अच्छा, काम करो, मम्मी आ जाए तो उनसे कहना कि पापा का फोन आया था और उनसे वहीं रुकने को कहना, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। Just like Superman, Daddy. Just like Superman. Zoom. हाँ बेटे। हाँ पापा। Wish you a very very happy birthday. Thank you पापा। God bless. Thank you. अच्छा तो मैं आता हूँ। Bye bye. Bye. अनीता, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई इसलिए दोपहर की ही फ्लाइट पकड़कर चला आया तुम्हें सरप्राइज देने, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं है। शायद तुम गीतू को जन्मदिन विश करने अकेली ही पोखरा चली गई हो। यही सोचकर मैं भी वहीं आ रहा हूं, और अगर तुम यहीं काठमांडू में हो, पोखरा नहीं गई अब तक, तो मेरा यहीं इंतजार करना। मैंने गीतू से फोन पे बात की है, वो इंतजार कर रही है हमारा और अपनी नई डॉल का। मैं गीतू को विश करके फॉरन लौट रहा हूं। तुम्हारा रवि। गीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तुम्हारी गुड़िया। थैंक यू पापा। मम्मी नहीं आई? मम्मी अभी तक नहीं? नहीं।
लगता है तुम्हारी मम्मी मुझसे नाराज है। दरअसल मैं दिल्ली गया हुआ था और आने में लेट हो गया। पापा आप हमेशा लेट हो जाते हैं। अरे बाबा इस बार मैं लेट नहीं हुआ, तुम्हारी मम्मी लेट हुई है। देखा अभी तक नहीं आई वो। असल में वो मुझसे बहुत पहले निकली है गाड़ी लेके, उसे तो यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने गई। यहाँ पापा मुझे प्रेजेंट नहीं चाहिए, आप जाइए मम्मी को ले आइए। अच्छा बाबा जैसे तुम्हारा होगा। एक काम करो तुम अपनी गुड़िया के साथ खेलो, खेल खत्म होने से पहले हम उन्हें ले आएंगे। गिव मी किस। कहाँ से आए हैं, नाम क्या है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, यहाँ क्यों आए हैं, काम क्या है, किस लिए आए हैं? इन सब सवालों के जवाब में कोई भी एक सवाल चुन लीजिए जो आपके केस के मुताबिक हो और शुरू हो जाइए। यहाँ ड्यूटी पे कोई है जो? लो कर लो बात,
ये आपने तो पहला ही सवाल मेरे केस के मुतालिक कर दिया। मैं हूँ ना ड्यूटी पर, कांस्टेबल डाबे सिंह कहिए, क्या काम है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। जाहिर बात है, यहाँ लोग रिपोर्ट लिखवाने ही आते हैं, कोई वसीयत लिखवाने थोड़ी आते हैं। कहिए कहिए क्या क्या रिपोर्ट लिखवानी है आपको? रिपोर्ट आप लिखेंगे जी? मैं रवि कपूर हूँ, दिल्ली से आया हूँ जी। मैं और मेरी बीवी अनीता यहाँ परसों छुट्टी मनाने आए थे जी। बिजनेस के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा जरूरी काम के लिए, एक जरूरी कॉन्फ्रेंस थी जी। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मैं यहाँ काठमांडू लौटा जी। आप सुन भी रहे या खाते रहेंगे आप? हाँ, आप काठमांडू वापस लौटे फिर? मेरी बीवी सुबह से लापता है। क्या जी? अरे ये तो बड़ी चंगी गल है, ओए रब्बा मेरी बीवी को भी लापता कर दे। लेकिन इसके लिए आप पुलिस स्टेशन क्यों आए? अरे आपको तो किसी अच्छी जगह जाके जश्न मनाना चाहिए कि आपकी बीवी भाग गई। सॉरी, मेरी बीवी भागी नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपकी बीवी भाग गई। मेरी बीवी लापता है, अंडरस्टैंड? यस आई अंडरस्टैंड, पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी बीवी लापता है, ये आपको कैसे पता चला? इसलिए कि यहाँ इंचार्ज कौन है? क्यों, मैं आपको पूरा इंचार्ज नहीं लगता? ओहो, मेरा कहने का मतलब है यहाँ ऑफिसर इंचार्ज कौन है? हाँ तो यूं कहिए ना, यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज हैं बलबीर सिंह। बलबीर सिंह? क्यों? इंस्पेक्टर बलबीर अंदर नहीं है। और मैं तो कहूंगा आप उनसे मिलिए भी मत, क्योंकि वो आपकी बीवी को जरूर ढूंढ निकालेंगे और फिर आपको पछताना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बलबीर कहाँ है? देखिए मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है? नहीं, आप मेरे तजुर्बे से फायदा उठाएं। इंस्पेक्टर बलबीर कहाँ है? ठीक है मत मानिए, मुझे क्या, वो मेरे भाई के ढाबे पर है। तुम्हारे भाई के ढाबे पर? हाँ हाँ, बॉबी दा ढाबा, मेरा चुड़वा भाई। बिल्कुल मेरी तरह कद, मेरी तरह चेहरा, मेरी तरह आंखें, मेरी तरह डील डॉल, मेरी तरह मूंछ, नहीं मूंछ जरा अलग है। वो क्या है कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना, इसलिए कांस्टेबल बन गया और वो बेचारा ढाबे वाला बन गया। ये बॉबी का ढाबा कहाँ है? बॉबी का ढाबा कहाँ है? अच्छा आप एक काम कीजिए, आप सीधे मेन वे चले जाइए और वहां किसी से भी पूछ लीजिए, अरे टूरिस्ट हो या लोकल, किसी से भी पूछ लीजिए कि बॉबी का ढाबा कहाँ है, वो आपको फौरन बता देगा कि बॉबी चला गया। सुनिए, पानी डाल दे जी। ये श्री बॉबी सिंह कहाँ मिलेंगे? ओ बादशाह की गल है, ओ यार मैं ही हूँ बॉबी। ओहो, आप उस हवलदार से मिलकर आ रहा है? तुम तो बिल्कुल फिकर दी, कोई लोड नहीं है, ए कोई डबल रोल ना चक्कर नहीं है, वो मेरा जुड़वा प्रा है, मैं बॉबी ते वो डाबी। समझे, फर्क सिर्फ निक्का सा है, वो पुलिस स्टेशन में एक मामूली सा नौकर है और असी सड्डी गुलाबो दे नौकरा। ओ मेरा मतलब है सड्डी इकलौती पत्नी गुलाबो, ओदा में सरताज, इस ताबे दा शहंशाह बेताज, कहिए क्या हुक्म है मेरे हुजूर नवाज। मुझे उस वाले ने कहा था कि इंस्पेक्टर बलबीर यहीं मिलेंगे। कौन, डाबी? अरे वो तो बड़ा लोला है, बादशाह इत्थे तुझे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, मटन मिलेगा, सरसों दा साग मिलेगा, मक्के दी रोटी मिलेगी, हर वो चीज मिलेगी, तुसी ऑर्डर तो करो यार। अनीता, तूने मुझे छुआ? देखिए मुझे आप गलत मत समझिए, मैं आपको गलती से अपनी बीवी समझ बैठा। मैं बीवी जी? हम बनका, देखिए बदमाश मुझे क्या कह रहा है, इधर आ, मुझे बीवी का। देखिए भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से ने अपनी बीवी समझ बैठा। गरीब की बीवी को हर कोई अपनी बीवी समझता है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सब कुछ समझते है कि जब ट्रक सड़क से उतर जाए तो उससे ब्रेक कैसे लगाते हैं। बादशाह की कर रहा हो यार, हो सकता है उससे सचमुच गलती हो गई। अबे ओए, तू जा चार प्लेट कलेजी फ्राई लेके आ, चल हट। देखिए साहब मुझसे सचमुच की गलती हो गई थी, अब मैं भी सचमुच की गलती करूंगा। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर बलबीर। पुलिस वाले हो इसीलिए अमीरों की चमचागिरी करने चले आए, मगर तुम उसे बचा नहीं सकते। हाँ। कानून को अपने हाथ में मत लो। ओ यार मटके फोड़ दिए। देखो एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसी गलतियां तो मैं रोज करता हूँ। एक मिनट, जरा कोट पकड़ना।
तो तुम ऐसी गलतियां रोज करते हो हैं? लेकिन आज के बाद नहीं करोगे। वो यार खजा गया। मेरा कोट। थैंक यू। अरे गुलाबो, हाँ। एक गिलास ठंडा पानी देना। इंस्पेक्टर बलबीर। हाँ जी। मैं रवि कपूर हूँ। और मैं वो हूँ जिसका टावा बन चुका है मकबरा। अरे किस बेदर्दी से उजाड़ा है मेरा चमन, अब मैं कहाँ बेचूंगा दाल सब्जी और मटन। देखिए बाबी साहब, ये कुछ रुपए हैं आपके नुकसान के लिए। वो ओ जी साहिबान, मैं कपूर साहब दा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। बैठिए बैठिए। लो इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ आपको डॉबी सिंह मिले होंगे खाना खाते हुए। आपको किसे मालूम? ए गुलाबो, इनके लिए भी सरसों का साग और मकई की रोटी लेकर। नहीं नहीं सर, मैं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन गया था। अरे जल्दी लेके आना, भूख लगी है बहुत जोर की। साहब मैं पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट लिखवाने। मेरी बीवी का कल से कोई पता नहीं है सर। तो पता चल जाएगा। आहा, खाना बढ़िया बनाया ना। आइए आइए जल्दी से खा लीजिए, नहीं ठंडा हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी लापता हो गई है, मैं उसकी कंप्लेंट कर आया हूँ। देखिए आप बहुत टेंशन में हैं, खाना खा लीजिए, पेट भरा हो तो टेंशन कम हो जाता है। ए गुलाबो, लस्सी भी लाना। आप मीठी लेंगे खारी? आप अजीब आदमी है, अभी कुछ देर पहले आप एक ड्राइवर को कानून सिखा रहे थे जबकि मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, आप खाने की बात कर रहे हैं, लस्सी की बात कर रहे हैं आप। वाह वाह, सरसों के साग में अदरक। अरे गुलाबो जवाब नहीं दे रहा, चक्के देखिएगा। कमाल करते इंस्पेक्टर साहब, मैं एक परेशान आदमी हूँ, ऐसे में एक इंस्पेक्टर होने के नाते आपको मेरे केस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। मेरी बीवी का नाम, उसका हुलिया पूछना चाहिए, उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, मगर आप, आपको तो क्या दुनिया चार भर में खाने की फिक्र पड़ी आपको। टेबल रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटीज। ओहो मिर्ची, याद तुम्हारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए, याद तुम्हारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए, लाख भुलाना चाहूं तुझको दिल दीवाना भूल न पाए, याद तुम्हारी जब जब बीते दिनों की याद दिलाए। सूरत तेरी नजर ना आए,
दिन उसको वक्त कभी जो लौट पाए लाख भुलाना चाहूं तुझको दिल दीवाना भूल पाए कुछ मिल कर एक पल में क्यों एक पल में सब कुछ खो जाए एक पल में सब कुछ खो जाए आंसू पी कर कब तक कोई प्यासे दिल की प्यास बुझाए लाख बुलाना चाहूं तुझको दिल दीवाना भूल न पाए याद तुम्हारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए बीते दिनों की याद दिलाए मिस्टर कपूर बीते दिनों की याद का सहारा तो तब लिया जाता है जब सिर्फ यादें ही रह गए हैं ठीक है जब और कहीं से कोई सहारा न मिले तो यादों का ही सहारा लेना पड़ता है लगता है आपको बहुत प्यार है अपनी बीवी से जी हाँ आपको कोई एतराज नहीं मुझे क्या एतराज हो सकता है लेकिन आपको क्या लगता है वो कहाँ गई होंगी यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया था इंस्पेक्टर साहब लेकिन आपको तो वो लस्सी और साग से फुर्सत नहीं मिली लस्सी और साग वाह 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 चखा नहीं ना आपने आखिर गलती की लेकिन उस वक्त मैंने आपकी बात पर गौर इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा आप दोनों का झगड़ा हुआ होगा वो कहीं नाराज होकर चली गई होंगी शाम तक लौट आएंगी खैर नाम क्या है उनका अनीता मिसेज अनीता कपूर कपूर और उनका हुलिया गोरा रंग गहरे भरे बाल आंखें इंस्पेक्टर साहब आप मेरे घर चलिए मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा ये तो बहुत अच्छा होगा पर वो गई कैसे हमारी गाड़ी गायब है तो मेरा ख्याल है वो गाड़ी में ही गई होंगी कौन सी गाड़ी गाड़ी थी जी वो व्हाइट रंग की टोयोटा नंबर है BAC 2670 यहाँ की लोकल गाड़ी है 2670 कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिजूल में परेशान हो रहे हो और वो अपने मैके चली गई हो नहीं इंस्पेक्टर साहब पर क्यों अनीता के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है जब वो अफ्रीका से हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनका एक क्रैश हो गया था I'm sorry. आपकी शादी को कितने साल हुए 10 साल और इन 10 सालों में आप दोनों मियां बीवी के बीच कभी कोई तनाव कोई अनबन नहीं Come on, you know what I mean. जैसे मियां बीवी में होता है नोक झोंक चूं चूं खिटपेट खटपट उनका रूठ के घर से चले जाना आपका उनको मनाना उनका वापस आ जाना ऐसा ही कुछ हुआ होगा नहीं इंस्पेक्टर साहब अनीता और मेरे बीच में कोई लड़ाई कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ और हम लोग इस तरह से जुदा भी कभी नहीं हुए कमाल है भाई मियां बीवी में तो हर 10 मिनट बाद झगड़ा होना चाहिए आप कह रहे हैं कि 10 साल में भी झगड़ा नहीं हुआ पर इसमें हैरान होने की क्या बात है लगता है हर आदमी को अपने हवलदार डॉबी सिंह के लेवल से देखते हैं हवलदार डॉबी सिंह उसके घर में तो झगड़ा होना ही है भाई जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक तभी रह सकती है जब दोनों पहिए बराबर हों वहां तो एक पहिया ट्रैक्टर का है और एक साइकिल का मैं जाके तहकीकात करता हूँ जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं फौरन आपको इत्तला करूंगा जी आप हिल व्यू में ठहरे ना जी हाँ आप आएंगे कब तक
बस शाम होते ही आता हूँ। शाम? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। हेलो, कॉल फ्रॉम दिल्ली सर। यस प्लीज पुट इट थ्रू। हेलो हेलो कुमार। यस सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ काठमांडू से। अच्छा वो मेम साहब आई है? नहीं तो सर। अच्छा वो आ जाए तो मुझे जरूर खबर करो यहाँ। क्यों, कोई खास बात है सर? नहीं कोई कोई खास बात नहीं है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। खास बात कैसे नहीं है कपूर साहब, आपकी बीवी यही है काठमांडू में। कहाँ है? ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन वो काठमांडू छोड़कर नहीं गई है, ये बात पक्की है। थैंक यू। देखिए काठमांडू से बाहर जाने की सिर्फ तीन सड़कें हैं और तीनों पर चेक पोस्ट है। तीनों चेक पोस्ट से रिपोर्ट आई है कि BAC 2670 नंबर की कोई सफेद गाड़ी वहां से बाहर नहीं गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी काठमांडू में ही है। तो फिर वो कहां गई होगी? डैम इट, कहां होगी ये अनीता? नाइस प्लेस। थैंक यू। अंदर कोई है क्या? जी हाँ, कोको है। कोको? स्टॉप इट कोको, स्टे। कमाल है। टेक इट अप। हे, दैट्स वेरी गुड। हेलो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अरे पुलिस वाले कुत्ते होकर पुलिस वाले पर ही भौंकते हो। क्या नाम है इसका? कोको। कोको? दरअसल अनीता ने पाला ऐसे, बहुत प्यार करती है इसे। आप ड्रिंक लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ड्यूटी पर हूं। हाँ। कोको गो इनसाइड इन। लवली डॉग। वैसे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि लोग हमेशा अपने कुत्तों से अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं। Yeah, you're right. आप बहुत निराले किस्म के आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब, हर बात में कोई ना कोई हंसी शामिल कर लेते हैं। भाई कपूर साहब, अगर पुलिस अपने काम की संजीदगी से ही लिपटी रहे तो हमारा काम तो सिर्फ एक पेशा हो जाएगा, बोरिंग ब्लडी नौकरी। मैं चाहता हूँ मैं अपने काम को एंजॉय करूँ, मजा लूँ उसका। गुड गुड। ओके मैं चलता हूँ, मेरे राउंड्स का टाइम हो गया। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ कोई बात नहीं, डोंट बॉदर। क्या नाम बताया आपने कुत्ते का? कोको। कोको डोबरमैन। जी। सुना है बड़े वफादार कुत्ते होते हैं। जी। अच्छा मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आप परेशान मत होइए, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। बाय बाय। हेलो मिस्टर रवि कपूर, मैं फादर एंथनी बोल रहा हूँ। अगर आप अपनी बीवी के बारे में जानना चाहते हैं तो बख्तपुर चर्च में आ जाइए। लेकिन आपको आओ फादर एंथनी। यस माय सन। फादर मैं रवि कपूर हूं, आपने अभी भी फोन किया था मेरी बीवी के बारे में। ओ मिस्टर रवि कपूर, आई एम सॉरी, मुझे प्रेयर में टाइम लग गया, आपको इंतजार तो नहीं करना। अरे कहां है वो? न जाने तुम दोनों में क्या बात हुई, पहले बहुत नाराज थी तुमसे, आखिर तुम्हारी बीवी है ना, बाद में बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए। माय सन, मुझसे एक वादा करो कि तुम उसे माफ कर दोगे और अपने साथ घर ले जाओगे। हाँ हाँ फादर, मैं वादा करता हूँ, लेकिन लेकिन ये तो बताइए वो अनीता, अनीता। मिसेस कपूर, मिसेस कपूर। अनीता,
मुझे माफ कर दो रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना इस तरह घर छोड़ के। फादर, ये मेरी बीवी नहीं है। आई बेग योर पार्डन रवि। हाँ, ये मेरी बीवी नहीं है। देखो माय सन, अब गुस्सा थूक दो। मियां बीबी में झगड़े तो होते रहते हैं, और फिर अभी अभी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे अपने घर ले जाओगे, है ना? अग्रीड, वादा किया था अपनी असली बीवी लेके जाने के लिए। लेकिन ये तो मैं तो उसे पहली बार देख रहा हूँ। रवि, ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो रवि, चलो घर चलो। फादर, आई डोंट नो यू, कौन हो तुम? अजीब जबरदस्ती है ये। घर चलो। एक मिनट, अगर तुम्हें मेरे साथ चलने का इतना ही शौक है तो मेरे घर नहीं, पुलिस स्टेशन चलो। गॉड ब्लेस यू बोथ। हाँ तो मिसेस अनीता कपूर। एक्सक्यूज मी, ये मिसेस अनीता कपूर नहीं है। हाँ तो मिस अनीता। अनीता मेरी बीवी का नाम है, एंड शी इज नॉट माय वाइफ। देखिए, दुनिया भर में अनीता नाम सिर्फ आपकी बीवी का तो नहीं है, किसी का भी नाम हो सकता है, और मुझे अपनी कार्यवाही करने के लिए इन्हें किसी नाम से तो बुलाना पड़ेगा। आप जिस नाम से चाहे इसे पुकार सकते हैं, लेकिन मेरी बीवी के नाम से नहीं, प्लीज। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी नहीं है, ये अभी साबित नहीं हुआ है, और ये भी साबित नहीं हुआ है कि ये आपकी बीवी है जो ये कह रही है। लेकिन जब फादर एंथनी कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है, तो कोई तो वजह होगी। हाँ इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि ये सच कह रही है, क्योंकि रात भर मैंने इनको अपने पति के लिए रोते हुए देखा है। अच्छा, आपको याद है कि आपकी शादी कब हुई थी इनके साथ? जी। और आपको? जी, मुझे अपनी शादी की तारीख याद है, लेकिन इसकी शादी कब हुई थी? सॉरी रवि, प्लीज ऐसा मत कहो। इंस्पेक्टर साहब, हमारी शादी 26 दिसंबर को हुई थी। Is that right, my son? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप हिलव्यू कॉटेज छोड़कर क्यों गई थी, कब गई थी और कहां गई थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती थी कि मेरी एक छोटी सी भूल मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। शादी के 10 सालों में मैं पहली बार इनके साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी। लो। लेकिन हम यहाँ पहुंचे भी नहीं थे कि इन्हें वापस दिल्ली जाना पड़ा अपने बिजनेस के लिए। अकेले में मेरा जी नहीं लगा, मैं तंग आ गई। मैंने इन्हें फोन करके कहा भी कि जल्दी वापस आ जाए, लेकिन ये नहीं आए। और तब मैं गुस्से में आके गाड़ी लेके निकल पड़ी। फिर उसके बाद ये चर्च के बाहर गाड़ी में बैठकर रो रही थी। मैंने इन्हें समझाया कि एक शादीशुदा औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हस्बैंड का प्रॉब्लम समझकर उसका साथ देना चाहिए। बात इनकी समझ में आ गई, हम लोग चर्च के अंदर आए और मैंने इन्हें फोन किया। कहानी अच्छी है, लेकिन इंस्पेक्टर बलबीर, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे देखते ही साबित हो जाएगा कि यह कहानी झूठी है। कौन सा सबूत? तस्वीरें, मेरी असली वाइफ अनीता और मेरी तस्वीरें। वेरी गुड, तब तो ये मसला हल हो ही जाएगा। Exactly. मेरे प्रेयर का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। थैंक यू फादर। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया फादर। ब्लेस यू। बाय बाय। हाँ तो मिसेस कपूर, मिस अनीता जी, आप गाड़ी चलाती हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही? जी हाँ है। कहाँ है वो? वो तो गाड़ी में ही होगा, मैंने ग्लव कंपार्टमेंट में ही रखा था। और गाड़ी कहाँ है? वो तो चोरी हो गई थी चर्च के बाहर से। लो, चोरी। ओ कम कम मिस अनीता, गाड़ी कोई खिलौना तो नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करा? रिपोर्ट? जी, वो तो आज सुबह ही लिखवाई थी। अच्छा जी। डॉबी सिंह। यस सर। क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की? जी हाँ, सुबह चर्च से एक टेलीफोन तो आया था किसी मिसेज अनीता कपूर का। मैंने रिपोर्ट दर्ज कर दी। दिखाओ दिखाओ। जी हाँ, ये रही, ये रही। सफेद रंग की टोयोटा BAC 2670 है। ये कंप्लेंट बिल्कुल बकवास है सर, आप अपना वक्त में बर्बाद कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये मेरी बीवी नहीं है। चलिए चलिए। रवि, रवि, हमारी गाड़ी।
क्या हो रहा है ये? स्पेयर पार्ट चोरी हो रहा है? हैं? ये गाड़ी तेरे बाप का है क्या? गाड़ी तो मेरे बाप की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। देख ले इंस्पेक्टर साहब। क्या? इनके कहने के मुताबिक इनका लाइसेंस इस गाड़ी में है। हाँ हाँ देख लीजिए। देखा कहाँ है वो लाइसेंस? जब ये औरत मेरी बीवी है ही नहीं तो इसका लाइसेंस यहाँ कैसे मिलेगा? लेकिन आपकी बीवी का लाइसेंस तो होना चाहिए। हो सकता है उन बदमाशों ने चुरा लिया हो। हाँ हाँ हो तो सकता है, लेकिन किसका लाइसेंस? मेरी बीवी का। यानी इनका? मैं आपसे कह चुका हूँ मेरी बीवी नहीं है। हाँ लेकिन इनका लाइसेंस भी तो चोरी हो सकता है। टॉबी सिंह। अजी समझ गया जी, समझ गया। मैं अभी जाकर उन चोरों को पकड़ता हूँ और इनकी बीवी का लाइसेंस बरामद करता हूँ। मेरी बीवी का नहीं, इसका लाइसेंस, समझे? अजी एक ही बात है, हाथ घुमा के नाक पकड़ो या सीधे पकड़ो। जाता हूँ। मिस्टर कपूर चले। कहाँ? आपकी शादी की फोटोग्राफ्स देखने। हाँ हाँ आइए चलिए। आइए इंस्पेक्टर। आप ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों का इंतजार कर रहा था मैं। नहीं वो आप अंदर कैसे आए? ऑफ कोर्स दरवाजे से। नहीं दरवाजा तो बंद था। नहीं नहीं दरवाजा तो खुला था। ये कैसे हो सकता, मैंने खुद लॉक किया था दरवाजा। मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं जिसके आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाए। नहीं अच्छा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब आप तो पुलिस स्टेशन से कह के थे कि आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं। यस, प्रेयर खत्म करने के बाद मेरा ध्यान बार बार आप लोगों की तरफ खींचता चला गया। माय सन, मुझे लगता है कि तुम्हें शक करने की आदत पड़ गई है और शायद तुम अपनी बीवी अनीता पर भी शक करते हो कि रात भर वो कहाँ थी। मुझ पर विश्वास करो, अनीता रात भर चश्मे थी। तुम्हारी बीवी मरियम की तरह पाक है। फादर ये मेरी बीवी नहीं है। अगर मुझे शक करने की आदत है तो आप लोगों को बहुत जल्द यकीन करने की बीमारी है। अच्छा अगर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ तब तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पति मेहमानों की किस तरह खातिर करता है, राइट? तो इनके लिए कोई ड्रिंक्स बनाओ। तुम्हें मालूम तो ना वो बार की चाबी कहाँ है? फादर आप कुछ पीएंगे? Perhaps a small brandy? No thank you, मैं पीता नहीं। अच्छा पीते नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ? नहीं मैं भी नहीं पीता। हाँ देसी दारू तो मिलेगी नहीं, विस्की चलेगी। विस्की? आप इंस्पेक्टर साहब के लिए विस्की बना देंगे? हाँ हाँ जरूर। हाँ अगर ये मेरी बीवी है तो यकीन से मालूम होना चाहिए कि बार की चाबी कहाँ पड़ी है। Thank you.
को तुम मुझसे नाराज है? ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा कोको, सुना है जानवर तो अपने मालिक को पहचानने में गलती नहीं करता, और खास तौर से कुत्ता तो कभी भी नहीं करता। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, आइए आप। आप तशरीफ रखिए फादर। मैं थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये रही वो, तस्वीरें मिली नहीं कपूर साहब? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। आज सुबह तक सिर्फ आपकी बीवी लापता थी, अब उसकी तस्वीरें गुम हो गई हैं, और अब ये बैग की चाबी भी। देखिए, इस मास्टर की से मैं मुलजिम की हथकड़ी उस वक्त खोलता हूं जब ये साबित हो जाए कि वो बेकसूर है। शायद इससे आपका बैग खुल जाए, वो तस्वीरें मिल जाएं, आपकी बात साबित हो जाए। कोशिश कीजिए। थैंक यू सर। खुल गया मेरी चाबी। ओया फादर, फादर एंथनी। क्या इसलिए वो पुलिस स्टेशन से निकलकर हमसे पहले यहां पहुंच गया? जरूर वो तस्वीरें उसी ने चुराई इंस्पेक्टर साहब। पापा ये वैसा आई, तुमने चुराई है वो तस्वीरें, तुमने ही चुराई वो तस्वीरें। ये क्या कह रहे हैं आप कपूर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, इसी आदमी ने चुराई वो तस्वीरें। होश की बात कीजिए रवि साहब, आप जानते हैं आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का? ये आदमी पादरी है, इज अ प्रीस्ट। कोई प्रीस्ट नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी बहुत ही चालाक और पहुंचा ढोंगी है। कपूर, तस्वीर की बात सुनते ही ये पुलिस स्टेशन से निकला, क्योंकि ये जान गया था कि इसका और उस औरत का भांडा फूटने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है। इसलिए हमारे आने से पहले ये यहाँ पहुंचा और तस्वीर गायब कर दी इसने। ही इज नॉट अ प्रीस्ट इंस्पेक्टर, ही इज अ थीफ। स्टॉप इट मिस्टर कपूर, जो जी में आए आप कहे जा रहे हैं, आप इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते किसी पर। अच्छा काम कीजिए, आप इस आदमी की तलाशी लीजिए। तलाशी? एक प्रीस्ट की तलाशी? He's not a priest, इंस्पेक्टर। आपको इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्रीस्ट की तलाशी नहीं ले सकता। आप कैसे कह सकते? You have to do it. It's all right, इंस्पेक्टर। आप तलाशी ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। प्लीज। I'm sorry, father. कोई बात नहीं इंस्पेक्टर। बाइबल देख सकता हूं? शौक से। I'm sorry, father. It's okay. Really very sorry. कोई बात नहीं। Please. बहुत दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद जब अचानक रोशनी होती है तो आंखें चुंधिया जाती है। इंसान रोशनी से अंधेरे की तरफ भागता है। मेरे ख्याल से इनके साथ भी यही हुआ है। My son, तुम जैसे लोगों के लिए हमने एक संस्था खोल रखी है जहां भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाया जाता है, भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया जाता है। मैं तो बल्कि तुम दोनों के पास इसीलिए आया था कि वहां के मेंबर्स बना दूं। अगर हो सके तो चर्च पे जरूर आना। अब मैं चलता हूं, उन तस्वीरों को भी तो जलाना है। मजाक कर रहा था। Good day. Mr. Kapoor, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपकी बीवी से? हाँ हाँ, ये आपकी बीवी नहीं है, लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूँ अकेले? प्लीज, मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू, चलिए। मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल बात पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जरूर। सुना है कि पति पत्नी साथ रहते रहते एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानने लग जाते हैं कि एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं। हाँ, ये रिश्ता तो एक खुली किताब होता है इंस्पेक्टर साहब, जिसे पति पत्नी रोज पढ़ते हैं, और इस किताब में रोज एक नया पन्ना जुड़ता जाता है। तो फिर इस किताब के पन्नों को जरा उल्टा कर देखिए और मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी आपके पति ने कभी कोई ऐसी हरकत की है
जिसकी वजह से आपको किसी दिमागी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी। जी बुरा मत मानिए, मुझे मालूम है कि ये मामला जरा नाजुक है, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपका ख्याल सही है इंस्पेक्टर साहब। ये औरत झूठ बोल रही है। और फिर आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरी बीवी नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कभी भी ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। प्लीज। लगता है अब मुझे दिमागी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। आप एक कप कॉफी पिला सकते हैं प्लीज? जी सर। आप इससे क्यों बोल रहे हैं कॉफी के लिए? मालूम है, आप मेरी बात जरा शांति से सुनिए। हम सारी मोटी मोटी बातों को दोहराकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि सच और झूठ के इस तराजू में कौन सा पलड़ा भारी है। ठीक है। ओके ओके। अब ये औरत आपका नाम, अता पता, आपके बारे में सब कुछ जानने के अलावा ये भी जानती है कि आपकी गाड़ी का नंबर और रंग क्या है, राइट? राइट। तो फिर? फिर इसे ये भी पता है कि आप दोनों की शादी मेरा मतलब आपकी और आपकी पत्नी की शादी किस दिन को हुई थी, और आप अपने बार की चाबी कहाँ छुपा कर रखते हैं, इसे ये भी मालूम। इन सब बातों से क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? मैं कह रहा हूँ ना कि ये औरत फरेबी है, और पता नहीं क्यों जबरदस्ती मेरी बीवी की जगह लेना चाहती है। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सबूत है कोको। कोको? जी हाँ, कोको आपका कुत्ता, जो इन्हें देखते ही खुशी के साथ इनकी तरफ दौड़ता हुआ गया। अब ये सारे सबूत तो इनकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफदारी के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है कि एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं मिसेस राणा हूँ। जी, मुझे मिसेस कपूर ने बुलाया था नेपाल महिला संघ के लिए चंदा देने। एक मिनट, आपको मिसेस रवि कपूर ने बुलाया था? जी हाँ, लेकिन आप? मैं मिस्टर रवि कपूर हूँ। ओह हाउ नाइस, आप शायद दिल्ली में थे जब मैं? जी हाँ जी, मैं दिल्ली में था। आप मिसेस कपूर से मिल चुकी है ना? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तरफदारी में इससे सच्ची आवाज आपको नहीं मिली। मिसेस राणा, हेलो। हेलो मिसेस कपूर, कैसी हैं? आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं। यू आर वेरी गुड। ये मिसेस कपूर तो नहीं है? रवि, यही मिसेस कपूर है? जब आप दिल्ली में थे तब मैंने से मिली। नो, आप पहचानने में कुछ गलती कर रही हैं। ये मिसेस कपूर थोड़ी है। एक्सक्यूज अस प्लीज, इधर आओ, इधर आओ। ये औरत भी झूठ बोल रही है? ऑफ कोर्स शी इज। ये नहीं हो सकता, इतने सारे लोग एक साथ मिलकर इतने सारे झूठ नहीं बोल सकते। देखिए, मेरी एक सलाह है, दिल्ली में आप जिस डॉक्टर के पास जाते थे उसी के पास जाइए। गुड बाय। एक मिनट इंस्पेक्टर। गुड बाय। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, तस्वीरें मिल गई। तुम्हें कहां से मिली? वहीं जहां होनी थी। एक इनके ड्राइविंग लाइसेंस पे है और दूसरी इनके पासपोर्ट पर है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले सब बेवकूफ होते हैं? बार बार आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो मिसेस कपूर नहीं है, वो मिसेस कपूर नहीं है, शादी के फोटोज ढूंढने का नाटक कर रहे हैं, तो क्या है ये सब? ये कैसे हो सकता है? ये सब नकली है सर। जी नहीं, ये सब नकली नहीं है, ये असली है। देखिए, भारत सरकार की मोहर लगी हुई है इस पर, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपका अपनी बीवी के साथ कोई जाति झगड़ा हुआ है तो उसे आप सुलझाइए। पुलिस को बिलावजह उसके बीच में क्यों घसीट रहे हैं आप? मैं बिलावजह नहीं कर रहा हूं। चुप हो जाइए आप, और मेहरबानी करके मेरा और वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी के साथ नहीं निभाना चाहते तो ये आपका प्रॉब्लम है, पुलिस का नहीं। बाय। चलो अभिषेक। यस सर। थैंक यू फॉर द डोनेशन मिस्टर कपूर। अरे, इतनी छोटी सी बात से कोई अपनी बीवी से नाराज होता है? बहुत अच्छी है, आपकी तरफ से माफी मांग रही थी। चाहिए उनसे बात कीजिए। ओके। मिसेस राणा के गड़बड़ में तुम कॉफी पीना तो भूल ही गए। ये लो, मैंने दोबारा गर्म कर दी। तुम पियो ना। मैंने पी ली, लो ना। देखो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या चाहती हो, ये तुम्हें जानता नहीं। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक औरत हो। वाइफ अगर चालाक ना हो तो हस्बैंड से घर की नौकरानी बना देता है। ओह, तो तुम मेरी घर की मालकिन बनना चाहती हो? वो तो मैं हूँ ही। तुम जब भी गुस्से होते हो ना तो बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं नहाने जा रही हूँ।
साथ चलोगे? अच्छा कॉफी पी लेना। Excuse me, मेरी बाइबल यहाँ रह गई है। आपकी बाइबल? Oh, there it is. तुम्हारी बीवी कहाँ है? ये तो बता दें। वो एक बार मुझे मिल जाए तो इस औरत की असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ना जाने क्यों तुम अपने आंखों पे पट्टी बांधकर उस इंसान की खोज में परेशान हो जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अच्छा चलता हूं मैं। फादर। यस फादर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप पर शक किया, आप पर इल्जाम लगाया कि आपने अनीता की तस्वीरें चुराई। सॉरी फादर। फादर मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। माई सन, गलती तो हर इंसान से होती है पर माफी का असली हकदार वही होता है जो गलती करके बचता है। God bless you. यानी कि आपने मुझे माफ कर दिया? Of course, माफ कर दिया। नहीं नहीं फादर, ऐसे नहीं। जब तक आप मेरे साथ बैठकर ये गर्मा गर्म कॉफी नहीं पीएंगे मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज रन फादर प्लीज। अगर मेरे कॉफी पीने से तुम खुश हो जाते हो then I shall definitely have it. Please, father. हाँ, nice coffee. Looks like. अपने आप में सच्चाई को ढूंढो भाई सन। इसी सच्चाई को ढूंढने के लिए ईसा मसीह भी न जाने कितने सालों तक भटकते रहे। तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम्हारी बीवी की सच्चाई क्या है? असल में तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की सच्चाई है। फादर कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक यू। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे को प्यार करें तो इस प्यार के सामने दुनिया का कोई भी झूठ अब तक सर उठाकर नहीं देख सकता। कॉफी ठंडी हो रही है। लवली फ्लेवर। आई थिंक इट्स साउथ इंडियन कॉफी। वेरी नाइस। कॉफी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो उसका अदा कीजिए फादर जिसने ये कॉफी मेरे लिए बनाई थी जहर घोल के। व्हाट? जी अब आपकी मदद से मैंने उसकी चाल उसी पे उल्टी कर दी। मेरे लिए जहर मिलाया था उसने कॉफी में जो अब आपकी रगों में आपकी मौत बनकर दौड़ रहा। मुझे क्या पिलाया तूने? हेल्प मी। मेरी मदद करो। इंस्पेक्टर बलबीर, मैं रवि कपूर बोल रहा हूँ। अब क्या चाहिए आपको? इंस्पेक्टर बलबीर, अनीता ने मेरे लिए कॉफी बनाई थी और वो कॉफी फादर ने पी और फादर बेचारे मर गए। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें फिर से दोहरा तो नहीं पड़ रहा? नहीं इंस्पेक्टर बलबीर साहब, आपको यकीन ना हो तो आप खुद आकर यहाँ देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस लेके पहुंचता हूं। जल्दी कीजिए, आई विल वेटिंग फॉर यू। आ रहा हूं। थैंक यू। रवि सिंह सर, एक एम्बुलेंस लेके हिल व्यू पहुंचो फौरन। तुमने कॉफी नहीं पी? नहीं। तुम कहाँ चले? हाँ कहाँ चले? नीचे। क्यों? वो मुझे ऐसे लगा कि एंथनी मुझे बुला रहा है। हाँ, फादर एंथनी से एंथनी। अरे वो तो कब के चले गए।
और फिर फादर एंथनी तो तुम्हारे सामने गए थे ना, कह के गए थे कि पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए ना। रवि, रवि ये तुम क्या कर रहे हो? प्यार क्यों? देखो रवि। जाना कहाँ चाहती हो? मैं तो तुम्हारा मर्द हूँ और तुम मेरी बीवी हो, है ना? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। देखो रवि प्लीज। कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे
मुझसे शादी इस जीवन में अब है मेरा। कन्ये मुझको दे दे, तू है बेशरम। मनिये मुझको दे दे, अरे करना सितम। चलो हटो जाने भी तो रास्ता छोड़ो ना जी। बीवी बीवी, I love my बीवी, my lovely बीवी। ये सायरन की आवाज कैसी? इसका मतलब पुलिस आ रही है। पुलिस? मैंने फोन करके पुलिस को बुलाया यहाँ। तुम समझ रही थी कि मैं तुम्हें सचमुच अपनी बीवी मानकर तुम्हारे खूबसूरती के जाल में फंस रहा हूँ? नहीं मेम साहब, मैंने तुम्हें कॉफी में जहर मिलाते हुए देख लिया था। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, एंड वक्त पे तुम्हारे फादर एंथनी आ गए। हाँ। मैंने कॉफी उन्हें पिला दी। हाँ। नहीं, नहीं। ये क्या हुआ? फादर एंथनी से एंथनी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया मेम साहब। अब तुम ये बताओ कि तुम इंस्पेक्टर बलबीर के साथ जीप में जाओगी या लाश के साथ एम्बुलेंस में जाओगी पुलिस स्टेशन? सोच के रखो। आइए इंस्पेक्टर बलबीर, आइए। ये देखिए, लाश तो यही थी इंस्पेक्टर साहब। यही थी? यस। और अब नहीं है? लेकिन जरा अच्छी तरह तलाश कर लीजिए, कहीं बाथरूम ना चली गई हो। आप मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ लाश यहाँ पड़ी थी। लाश यहाँ पड़ी थी? हाँ यस। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि लाश की पोजीशन कैसी थी? मेरा मतलब कि वो पेट के बल पड़ी थी या पीठ के बल? पीठ के बल, मैंने टेलीफोन नीचे रखा, वो लाश मेरे पे आ गिरी और मैं यहाँ से पेट के नीचे, या देखिए सर ये। और मैं तो पैर इस तरफ था। पैर? आप समझ रहे मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फादर यहाँ पड़े हुए थे और आपके कहने के मुताबिक मर रहे थे तो फिर वो गए कहाँ? इसमें तो नहीं है, ऐसे ही बस उठे और कपड़े झटक के चल दिए। देखिए मिस्टर कपूर, अभी तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे कुछ एक्शन लेना पड़े, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं ये बहुत सीरियस बात है। आई होप यू रियलाइज दैट। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि एंथनी यही गिरा पड़ा हुआ था कॉफी पी के। चलो डार्लिंग, मैं तैयार हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप दोबारा यहाँ कैसे? इन्होंने अभी अभी मुझे फोन करके बताया कि आपने इनके लिए जहरीली कॉफी बनाई जो इन्होंने फादर को पिला दी, जिसे फादर पीकर मर गए। क्या रवि डार्लिंग, तुम्हारे मत लड़की, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे कॉफी के कप में। कप कप सर, कप 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 तो भार है। आप आइए मेरे साथ, आइए आइए मेरे साथ, आप मेरे साथ आइए इंस्पेक्टर, आइए। देखिए ये वो कप है, यही वो कप है, अभी भी इसमें थोड़ी कॉफी बाकी है। अगर आपको मेरा यकीन ना हो तो आप इसे लेबोरेटरी में चेक करा लीजिए। इसे लेबोरेटरी से चेक कराने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही चेक कर देती हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, मेरी बाइबल यहां कहीं रह गई? ओ देयर इट इज। आप जिंदा हैं? तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? नो माय सन, ऐसा नहीं सोचते। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मिलकर क्या चाल चल रहे हैं मुझे फंसाने की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं वाकई पागल हो जाऊंगा ये। हाँ, यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट मिस्टर कपूर, और पागलपन बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसे हो जाए उसके लिए भी और औरों के लिए भी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप दिल्ली वापस चले जाएं। अरे मैं दिल्ली कैसे वापस चले जाऊं अपनी बीवी को यहां छोड़कर? ये आपकी बीवी है, इन्हें साथ लेकर जाइए। इनकी बात मान लो भाई साहब, अपनी गलती को सुधारो, सब ठीक हो जाएगा, और फिर अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। हाँ, आप कभी चोरी का इल्जाम लगाते हैं प्रीस्ट पर, कभी इन पर खून का इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये आपकी बीवी नहीं है, हालांकि इनके पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज से ये साबित होता है कि यही आपकी बीवी है। ये मेरी बीवी नहीं है, नहीं है, नहीं है। रवि प्लीज, लीव मी अलोन। रवि, गेट आउट ऑफ हियर। आप लोग चले जाइए, मैं इनके गुस्से को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं, मैं इन्हें समझा दूंगी। कोको, कोको, स्टॉप इट कोको, कोको। अरे कोको, अरे कोको मेरे यार, तो तुमने मुझे पहचान लिया, शाबाश। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, इंजेक्शन लगवाने क्यों नहीं आए? डर गए थे क्या? चलो कोको, चलो कम ऑन कम। ये आपका कुत्ता है? जी। वेरी नाइस डॉग, बड़ी अच्छी नस्ल होती है, एक बार किसी से मिलने तो फिर उसे भूलते नहीं है। जी। आई एम डॉक्टर सक्सेना, जानवरों का डॉक्टर हूँ। चलो कोको, कुछ ही दिन पहले एक औरत लेकर आई थी इसे मेरे पास। औरत? कब? शायद हाँ, आज संडे है ना? जी हाँ। वो थर्सडे को आई थी। देखिए सर, तीन रोज पहले मेरी पत्नी यहाँ बिल्कुल अकेली थी, मैं दिल्ली गया हुआ था और उन्होंने जिक्र किया था कि उनके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं। जी हाँ सर, सर मैं ही उनका हस्बैंड हूँ, रवि, रवि कपूर। और उनका नाम क्या था? अनीता, मिसेज अनीता कपूर। हाँ हाँ, मिसेज अनीता कपूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अनीता से मिल चुके हैं, आप अनीता को जानते हैं, आप अनीता को पहचान सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस यही यही सबूत चाहिए था मुझे, यही गवाह चाहिए था मुझे। सबूत, गवाह, आखिर बात क्या? डॉक्टर साहब, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप इसे चल सकते हैं अभी? नो नो सॉरी यंग मैन, मेरा क्लिनिक पे जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। आपका क्लिनिक कहाँ है? दरबार मार्ग पर, पहाड़ी के ऊपर। एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, आप कोको के साथ में ले जाइए और वो इंजेक्शन दे दीजिए जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं आधे घंटे में आता हूँ, दरबार मार्ग अभी आया। अरे चल मेरे साथ। रवि, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सवालों का जवाब अब मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे साथ। देखो, रोज नहाया करो, शरीर साफ रहने से मन भी साफ रहता है, सृष्टि का यही सुनहरा नियम है, गोल्डन रूल ऑफ नेचर। ओहो मिस्टर कपूर, आइए आइए, आप वाकई बहुत पंक्चुअल हैं। वैसे मेरा टाइम भी हो चुका है, अब आप ले जा सकते हैं कोको को। मैडम, दिस इज डॉक्टर शरद सक्सेना। अरे अरे अरे, आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं है? अनीता डियर, इंट्रोड्यूस अस टू द डॉक्टर। जी, मैं इनकी पत्नी हूँ, मिसेस रवि कपूर। व्हाट? तो फिर वो कौन थी? वो कौन? वही जो उस दिन कोको को लेकर आई थी और कह रही थी कि वही मिसेस कपूर है। वो मैं ही तो थी, आपको याद नहीं है? जी मुझे तो अच्छी तरह से याद है, आपकी उम्र हो चुकी है इसलिए आप शायद भूल कर रहे हैं मुझे पहचानने में। देखिए मैडम, जब मैं एक जैसे जानवरों की शक्लें पहचानने में भूल नहीं करता, तो इंसान की शक्लें पहचानने में कैसे भूल कर सकता हूँ। लेकिन इनका भी तो यही कहना है कि यही मिसेज रवि कपूर है। अब मुझे गलत मत समझिए, मैंने दो शादियां नहीं की, मैंने एक ही शादी की है और एक ही मिसेज रवि कपूर है, लेकिन ये मेरी बीवी मिसेज रवि कपूर तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नो नो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपको टेलीफोन का है। अरे भाग के किधर है? ये लड़की एक धोखेबाज है, चीट है, ढोंगी है, सर रस्सी तो पकड़ाइए डॉक्टर साहब। अरे जबरदस्ती मेरी बीवी बनकर मेरा जीना हराम कर दिया औरत ने, जल्दी लाइए रस्सी डॉक्टर साहब, लाइए लाइए। अब तुम यही बंदी रहो जब तक इंस्पेक्टर बलबीर नहीं आते। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कुत्ता तो कभी अपने मालिक को पहचानने में धोखा नहीं खाता, तो फिर ये कोको कैसे धोखा खा गया इसे पहचानने में? बहुत बड़ी सीधी सी बात है, कुत्ता हमेशा इंसान को खुशबू से पहचानता है, मुझे लगता है ये भी वही सेंट लगाती है जो तुम्हारी बीवी लगाती है, इसलिए कोको भाग के इनके पास चला गया। मैं स्पीक टू इंस्पेक्टर बलबीर प्लीज। आप रवि कपूर बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, मुझे इंस्पेक्टर बलबीर से बहुत जरूरी काम है, प्लीज उन्हें टेलीफोन दे दीजिए। यानी आपको कोई तीसरी पत्नी मिल गई क्या? आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर बलबीर इस वक्त कहाँ मिलेंगे? देखिए, इंस्पेक्टर बलबीर इस वक्त यहाँ नहीं है। हाँ, वो डॉबी सिंह के, सॉरी डॉबी सिंह तो मैं हूँ, वो बॉबी सिंह के ढाबे पे गए क्योंकि आज बॉबी सिंह की शादी की सालगिरह है। Thank you.
गई तो फिर भी छाना छोड़ेगी। आज की बीवी दिल से नहीं बस माल से रिश्ता जोड़ेगी। आज की बीवी दिल से नहीं बस माल से रिश्ता जोड़ेगी। लेकिन सर मुझे सबूत मिल गया है कि वो मेरी बीवी नहीं है। अरे आप एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह उसी जगह बार बार बजते रहते हैं, मैं आपको सुनते सुनते बोर हूं। लेकिन वो मेरी बीवी नहीं है, क्यों नहीं समझते आप? देखो, चिल्ला कर कहने से झूठ सच में तो नहीं बदल जाएगा है?
फिजूल में आप हमारी पार्टी खराब कर रहे हैं, जाओ ना। सॉरी सर, प्लीज मैं परेशान हूँ सर। इस बार मैं आपको ऐसे गवाह से मिलाऊंगा जो मेरी बीवी को बहुत पहले से जानता है। ओह अच्छा, कौन है वो? डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना, वो जानवरों वाला डॉक्टर? अरे उस डॉक्टर सक्सेना के पास जाने से बेहतर होगा आप डॉक्टर शर्मा के पास जाइए और अपने दिमाग का इलाज करवाइए। इंस्पेक्टर मेरी बात का यकीन कर लीजिए इस बार। कितनी बार यकीन करूं, हर बार तुम्हारी बात गलत निकलती है, मेरा टाइम फिजूल में खराब होता है। एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज मेरी खातिर। कैसे कैसे लोग भेजते हो यार। चलिए, थैंक यू सर, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। अरे अब क्या हुआ? आप आइए, आप तो आइए। चलिए, शायद क्लिनिक में हो वो। कहीं तो होंगे। प्लीज कम सर, प्लीज। यस यस आई कम। कैसे हो सकता है, मैंने खुद इंस्पेक्टर बलबीर। हेलो, आप यहाँ कहते हैं? लो, तुम्हारे हस्बैंड भी आ गए तुम्हें लेने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम चले? ओके, थैंक यू, चलो डालो। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि ये मिसेज रवि कपूर हैं? हाँ। और ये इनके हस्बैंड मिस्टर रवि कपूर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे ये अपनी बीवी और कुत्ते को छोड़ने के लिए। सुन लिया आपने मिस्टर कपूर? और क्या क्या कहे थे कि आधे एक घंटे में लौटता हूँ? झूठ मत बोल डॉक्टर सक्सेना, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मेरी बीवी नहीं है, और अब कितने पैसे लिए सौरभ से? कितने पैसे लिए सौरभ से? कपूर क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ो मुझे। तुम क्यों मुझे बार बार बेइज्जत करते हो? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं। हाथ मत लगा मुझे और बंद कर अपना ये नाटक, बंद कर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। विल यू शट अप प्लीज? यू शट अप मिस्टर कपूर, मेरी बात सुनिए। इधर आइए। जब से मैं आपसे मिला हूँ सिर्फ आप एक आदमी हैं जो कहते जा रहे हैं कि ये आपकी बीवी नहीं है, हालांकि हर बार यही साबित होता है कि यही आपकी बीवी है। अब क्यों? अब अगर आपने कुछ भी बोला मैं आपको अरेस्ट करके हवालात में बंद कर दूंगा, जहां से आपको सिर्फ पागलखाने का डॉक्टर ही छोड़ा सकता है, और वो भी ये साबित करने के बाद कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। बेचारे पति देव जी, अब तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तो मेरे साथ ही रहना होगा बंद कमरे में। शाबाश डॉक्टर सक्सेना, वेरी गुड। वेरी वेरी सॉरी रवि साहब, मुझे इंस्पेक्टर के सामने वो सब कुछ कहना पड़ा जो उन्होंने कहा था। दरअसल बात यह है कि मेरी सर को अपनी बंदूक का निशाना बनाए, वो देखिए वो आदमी वहां खड़ा है। और अब भी तुमने भौंकना बंद नहीं किया तो ये दोनों गोलियां तुम्हारे छाती में उतार दूंगा, समझे लौटा? गोली से उड़ा दूंगी। नहीं अनीता, चलो अभी तो इसने दस्तखत करना है, सिर्फ तुम्हारा एक दस्तखत, और वो 50 लाख रुपए जो तुम्हारे बीवी के नाम उसके अंकल का गए थे अब हमारे हो जाएंगे। क्या नाम बताया था मिसेस कपूर के अंकल का? अंकल सवानी, अफ्रीका वाले। हाँ अफ्रीका वाले। ठीक 8 बजे चर्च में चले आना, वहां सारे कागजात भी तैयार होंगे और साथ में हमारी ब्लेसिंग्स भी। और अगर मैं नहीं आया तो? तुम्हारा भी यही हश्र होगा। हाँ
आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? अरे आपकी किस किस बात का यकीन करूं? कभी प्रीस्ट कॉफी पीकर मर जाता है, कभी प्रीस्ट डॉक्टर का खून कर देता है। माफ कीजिए, मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा, किसी भी बात पर नहीं। ये ऐसी वैसी बात नहीं है इंस्पेक्टर, आप समझते क्यों नहीं? ये उन दोनों की साजिश थी कि वो औरत मेरी बीवी बनकर आ जाए और मुझसे वो पेपर साइन कराए, ताकि वो सारी दौलत जो मेरी बीवी के अंकल छोड़ गए हैं उसके नाम उनकी हो जाए। यही तो साजिश है उनकी, इसलिए तो शाम को उन्होंने मुझे चर्च पे बुलाया कागजात पे दस्तखत करने। मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आखिरी बार आपका यकीन करता हूँ, फॉर द लास्ट टाइम जी। अगर आपकी बात सही निकली तो उस प्रीस्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और अगर आपकी बात गलत निकली तो थैंक यू सर। बॉबी सिंह सर, जाके मालूम करो डॉक्टर सक्सेना के यहाँ क्या हुआ। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नाटक बंद करो एंथनी, मैं आ गया हूं। जब दिल में पाप का अंधेरा हो तो कोई भी पूजा कैसी भी प्रार्थना उजाला नहीं कर सकती। उजाला तो होगा ही मिस्टर कपूर, बहुत उजाला, लेकिन हमारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड माय सन। पेपर्स कहाँ हैं? बहुत जल्दी है पेपर साइन करने की। या अपनी बीवी से मिलने की जल्दी है? किस बात की जल्दी है, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। ओ, तो ये लो पेपर और ये लो पेन। इंतजार तो अब हमसे भी नहीं होता। और इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। इंस्पेक्टर बलबीर। अब आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर बलबीर, ये देखिए, पढ़िए, ये वही पेपर्स हैं जिस पर जबरदस्ती मेरा साइन लेकर ये दोनों मेरी बीवी की जायदाद हड़पना चाहते थे। इंस्पेक्टर बलबीर, शट अप, जस्ट शट अप। ये कोई जायदाद के कागज नहीं है, देखिए इन्हें, देखिए। ये फादर एंथनी की संस्था के कागजात हैं जिसका वो आपको मेंबर बनाना चाहते हैं। ये क्या बात है इंस्पेक्टर? जस्ट शट अप। ये नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप पागल हैं और एक पागल के साथ कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर बलबीर, इनका दिमाग जरूर खराब हो गया है, क्योंकि डॉक्टर शरद सक्सेना जो है वो कोई मरे मरे नहीं, भले चंगे है। और कहीं बाहर गए हुए किसी जानवर का इलाज करने के लिए, ऐसा उनकी इकलौती और असली पत्नी ने कहा है। लेकिन ये कैसे? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको क्या कहना है? ये झूठ बोल रहा है। बेहतर यही होगा कि आप कुछ ना कहें। अरे ये कांस्टेबल झूठ बोल सकता है? इनफ। मैंने इस आदमी को, मुझे और कुछ नहीं सुनना है आपसे। गुड बाय एंड गो टू हेल। मैंने विश्वास करो, मैंने इस आदमी को डॉक्टर सक्सेना का खून करते हुए देखा। कितना देखा होगा आपने? चलो ना, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। मैं जानता था तुम इंस्पेक्टर को जरूर बुलाओगे। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ आजमाने के लिए बुलाया था। चलाओ। काले चलो तुम मुझे मेरे घर, जहाँ असली कलम से असली कागजात पर तुम्हें असली दस्तखत करने होंगे। चलाओ। बहुत उछल कूद कर ली, बहुत दिमाग चला लिया, अब कलम चलाओ। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम कोई फादर नहीं हो। यहाँ पे दस्तखत करो। ये भी मालूम था तुम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो। यहाँ पे दस्तखत करो। मैं कहाँ दस्तखत करूंगा, ये मैं इनके पढ़ने के बाद ही फैसला करूंगा। मैं कहता हूँ दस्तखत करो। प्लीज, इसे कागजात पढ़ लेने दो ना, लोग तो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। इस पर अगर मैंने दस्तखत किया तो ये मेरी बीवी अनीता बन जाएगी। तब मेरी बीवी अनीता के लिए उसके अंकल ने जो 50 लाख रुपए बैंक में रखे हैं, ये बड़ी आसानी से निकाल सकती है। हाँ, उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से मैं तुम्हारी जान निकाल सकता हूँ। अंडरस्टैंड माई सन? यस आई अंडरस्टैंड। कि मेरे दस्तखत के बिना ना ही तुम लोग बैंक से रुपए निकाल सकते हो, ना ही जान ले सकते हो। हाँ, परेशान जरूर कर सकते हो। मैं तुम्हारी परेशानी को इतना बढ़ा सकता हूँ, तुम तड़प तड़प कर मुझसे खुद भीख मांगोगे कि मेरी जान ले लो। सिर्फ 2 घंटे का वक्त देता हूं, सोच लो। कागजात पे दस्तखत आसानी से करोगे या तड़प तड़प कर करोगे? उठाओ।
जल्दी जवानी
अब तुम जिधर भी देखोगे मौत नजर आएगी। हरामजादे, बहुत समय हो चुका है, मैंने 2 घंटे की मोहलत भी दी थी तुझे। ये मोहलत तुमने दी थी? मैंने नहीं मांगी थी। और 2 घंटे क्या, 50 लाख रुपए के लिए तो मुझे 2 साल भी दे सकते हो, अगर मैं ये कह दूं कि उसके बाद ही मैं इन कागजात पर दस्तखत करने को तैयार हूं। खामोश, मोहलत का वक्त खत्म हो चुका है, अब और इंतजार नहीं करूंगा मैं। तो क्या करोगे? गोली मार दूंगा तुझे। तुम में गोली मारने की ताकत होती तो पहले ही मुलाकात में तुम अपनी असलियत पे उतर आते। तुम में वो ताकत नहीं है, इसलिए रिवॉल्वर चलाने की जगह तुम चर्च में मोमबत्तियां जलाते रहे और एक अय्याश नाचने वाली औरत का सहारा लिया और यह नाटक किया। दस्तखत करते हो या नहीं, मुझे वो पैसा चाहिए। अरे 50 लाख क्या, मैं तुझे अपनी सारी दौलत दे दूं, लेकिन ये तो बताओ मेरी बीवी कहाँ है? भाड़ में जाए तुम्हारी बीवी। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं चर्च में सिर्फ मोमबत्ती जलाता ही नहीं बल्कि बुझाता भी हूँ। नहीं आंटी, होश में आओ, इसने अभी तक दस्तखत नहीं की। इंस्पेक्टर बलबीर को फोन दो। अच्छा अच्छा आप है, देखिए इंस्पेक्टर बलबीर यहाँ होते हैं ना तो आपकी हेलो सुनते ही फोन पटक देते। देखिए साहब ने ऑर्डर दिया है कि आपकी कोई बात सुनी ना जाए, और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको लॉक में बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, बेजान तार पे लटका हुआ टेलीफोन, चाहे जितना भी छुले वक्त आने पर रुकना ही पड़ता है उसे। तुम भी रुक जाओ मिस्टर कपूर, वरना चाहे इंसान की गर्दन हो या टेलीफोन का तार, कटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखो तुम यही चाहते हो ना कि मैं उन कागजात पर दस्तखत करूं? हाँ, ला वो कागजात हो मुझे, मैं दस्तखत करने को तैयार हूं, लेकिन ये तो बता दो मेरी बीवी कहां है? वाह, एक पागल समझदारी का सौदा कर रहा है। तुम्हारी बीवी का लापता होना हमारी कामयाबी का पहला कदम था। अब अगर तुमने यहां से भागने के लिए एक भी कदम उठाया तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। कागजात लाओ। कागजात? वो कागजात तो तुम्हारे पास है। बेवकूफ, जानती नहीं वो कितने जरूरी थे? सॉरी एंथनी, वो कागजात तो शायद घर पर ही रह गए। इधर आओ, पिस्तौल पकड़ो, इसके सीने को निशाना बनाकर पिस्तौल ताने रखना, जरा सी धड़कन भी बदली तो गोली चला देना। जब तक हम कागजात लेकर आते, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो अब की बात तुम्हारे खून से दस्तखत करवाऊंगा। चलो
गल तेरी गुत से भरा दा तेरा लालड़ी आहो आहो और गल तेरी गुत से भरा दा ओए हा ओ मिसेस कपूर ओए हा कपूर साहब घर में कोई नहीं ओए हा हेलो यार मैं की होया अरे कुछ बोलो जी क्या हुआ किसने किया अरे यार ओहू की करदा पिया यार बोल दो किसने किया अरे बोल ओहो तो बोलो ना मुंह से के मुंह बंद है एक मिनट आराम नाल अब तो सोची की होया किसने किया जल्दी वो सब मैं बाद में बताऊंगा तुम वही बॉबी सिंह ने ढाबे वाले तो खोलो भाई तुम यहां क्या कर रहे हो अजी मैं तो खाना लेकर आया हूं खाना लेकर आया आओ क्यों लो कर लो गल खाना बनाना और सप्लाई करना तो मेरा काम है मुझे ऑर्डर मिला तो मैं खाना लेकर आया किसने ऑर्डर दिया जी मिसेस नीता कपूर ने कब मंगल बुध तीन रोज पहले यानी कि फिर उस वक्त तो वो मेरी बीवी थी जी आप मिस्टर रवि कपूर है वो मिसेस रवि कपूर है तो वो आपकी पत्नी हुई ना वो यार उन्होंने ही तो मुझे इस बंगले का एड्रेस दिया था जी बहुत बहुत बधाई हो उन्होंने कहा था आज आपकी शादी की सालगिरह है बहुत बहुत बधाई हो जी बहुत बधाई हो लेकिन आपको ये सब कैसे पता ओ जी हम कोई साधु महात्मा अंतर्यामी तो है नहीं उन्होंने बताया इसलिए हमें पता चला इसका मतलब कि तुम मेरी असली बीवी को जानते हो मिल चुके हो असली क्यों दे बारे में तो सुना था ये असली पत्नी था की मामला है कमाल दी कमाल बॉबी सिंह जी आप इंस्पेक्टर बलबीर के अच्छे दोस्त हैं ना आओ मगर वो मेरा काम कर दो देखो तुम इंस्पेक्टर बलबीर को फोन करके कहो कि तुम मेरी बीवी को जानते हो और तीन रोज पहले तुम उनसे मिल चुके हो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी गल कर रहे मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है तो बिल्कुल वो मिक्स वेजिटेबल का मामला हो रहा है देखिए मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा एक बार बात कर लीजिए इंस्पेक्टर बलबीर फोन पे आलू क्यों बे भालू क्या हुआ ओ जी आपको कैसे पता चला मैं बोल रहा हूँ अरे इस शहर में तू ही तो एक है जो हेलो को आलू कहता है कहाँ से बोल रहा है जी मैं की नाम है बंगले का हिलव्यू मैं हिलव्यू तो बोल रहा हूँ आप जल्दी आओ बहुत जरूरी काम है क्यों क्या हुआ कपूर साहब को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है क्या इसलिए आपने मेरी बात नहीं की आपने फोन नीचे रख दिया जी आप नहीं समझेंगे पुलिस वाले आफ्टर ऑल दे आर पब्लिक सर्वेंट इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए सिर्फ हुक्म चलाते रहो आप फिक्र मत करिए जी वो भागा भागा चलाएगा आप तो ये दसो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है दरअसल मेरी बीवी लापता है बॉबी सिंह और एक औरत जबरदस्ती ये मनवाने पे तुली हुई है कि वो मेरी बीवी है उसका साथ एक खतरनाक आदमी ने दिया है दरअसल वो दोनों ही बहुत खतरनाक है यार फिर से मिक्स वेजिटेबल हो रहा है ये तो तुम कौन हो जी मैं हूँ जी बॉबी सिंह ढाबे वाला खाना लेकर आया हूँ पर आप कौन है मैं मिसेस रवि कपूर हूँ इनकी पत्नी ले ऐ कैसे हो सकता है अरे जो मुझे ऑर्डर देने आई थी वो तो कोई ओ तो इसका मतलब है कि तुम इसकी असली पत्नी को पहचानते हो जी लो जी आ गया सड्डा प्राप्त बल्ली आ गया उन्हें पता चल जाऊंगा छाछ का छाछ और लस्सी का लस्सी क्यों जी वो यार बल्ली कितनी इंस्पेक्टर साहब इनसे गलती होगी गुस्से में क्या हाथों से ये हो गया जब इसने भी इसी बात की गवाही दी कि मैं इनकी पत्नी हूँ तब इन्होंने चाकू मार दिया इसे नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है तूने मेरे भाई को जरा
क्या कर रहे हो तुम? हवलदार डॉबी सिंह, होश में आओ, जाओ फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। मिस्टर कपूर, अब मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। बस ये औरत ने खून किया सर। चाकू आपके हाथ में था या नहीं? आपने मेरे दोस्त का खून किया है। आई एम गोइंग टू सी दैट यू ब्लडी हैंग फॉर इट। प्लीज इंस्पेक्टर, बिलीव मी, हेलो इंस्पेक्टर बलबीर, जिंदा है, डॉक्टर उसको होश में ला रहे हैं। क्या? जी हां वो बेहोश है, मैं अस्पताल होके आ रहा हूँ, उम्मीद है आप यही मिलेंगे। बॉबी सिंह सर बताएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पति निर्दोष है, मेरा पति निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति निर्दोष है। एक बार मेरे हाथ खुल जाने दे, तेरी सारी हंसी तेरे गले के अंदर दबा दूंगा। अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं खुल पाएंगे मिस्टर रवि कपूर। तुम या तो फांसी पर चढ़ा दिया जाओगे या पागलखाना भेज दिया जाओगे। कागज पर दस्तखत कर दो, फिर मैं खुद तुम्हें आजाद कर दूंगी। तब तुम कहीं भी भाग सकते हो। अगर बॉबी सिंह मर गया होता तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेता, मगर बॉबी सिंह मरा नहीं है और वो इंस्पेक्टर से हकीकत की बात कह देगा। हाँ, अरे जाबे, इंस्पेक्टर बलबीर के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरा दोस्त एंथनी वहां पहुंच जाएगा। फादर एंथनी, अंडरस्टैंड? और बॉबी सिंह के होश में आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए बेहोश कर देगा। करेक्ट, हमारा कांटा दूर हो चुका है। अब तुम्हारे लिए समझो कि फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। अब दस्तखत करोगे या नहीं? ठीक है, लाओ कागजात। इंस्पेक्टर बलबी के आने से पहले मैं दस्तखत करता हूं। शाबाश, पहली बार तुमने एक अच्छे बच्चे की तरह बात की है। अनीता, तुम इसे खोल दो, मैं कागजात लेकर आता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, ये बेकसूर है। इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी का दिमाग खराब हो तो फिर इसमें उसका क्या कसूर है? और फिर आप तो खुद जानते हैं, ये मुझे अपनी बीवी माने से इनकार। इसके आंसू में मत जाइए इंस्पेक्टर। जब मैंने कहा कि मैं उन कागजात पर दस्तखत करने को तैयार हूँ, तब ये मुझे आजाद करने पर राजी हुई। एंथनी के पास वो कागजात है, आप उसकी तलाशी लीजिए। ओह यू शट अप! मेरे चुप हो जाने से असलियत नहीं बदलेगी इंस्पेक्टर। जब आपको पता चलेगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है, तब आप पछताएंगे। लेकिन तब आपके दोस्त के कातिल बहुत दूर निकल चुके होंगे और तब आपकी सबसे बड़ी हार होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये औरत शैतान की बेटी है। बेटी? मेरी बेटी? इंस्पेक्टर साहब, मेरा सबसे बड़ा सबूत तो मेरी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, एक बच्ची अपनी माँ को पहचानने में कभी गलती नहीं करेगी। इंस्पेक्टर साहब, वो पोखरा में आप उसे बुलाइए और इस औरत की असलियत जान लीजिए। आपको मेरी मेरी बच्ची का वास्ता, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक मौका और देता हूँ, लेकिन इस बार भी अगर आप गलत हुए। आप इनकी बातों को मत मानिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, बात अब माफी की नहीं है, अब या सजा या रिहाई। ठीक है, राइट? ठीक है। टॉबी सिंह, तुम पोखरा जाकर इनकी बेटी को लेकर आओ। पोखरा में सेंट पीटर्स कॉन्वेंट, नाम है गीता कपूर, सेनेट 3 है। समझ गए? जाओ फौरन। आप इजाजत दें तो मैं चला जाता हूँ। शायद कांस्टेबल के साथ बच्ची को आने की इजाजत ना दे, स्कूल का मामला है ना। ठीक है। नहीं, ये आदमी नहीं जाएगा, ये आदमी कातिल है इंस्पेक्टर साहब। जो भी सबूत इनके खिलाफ होगा ये मिटा देगा। मेरी बच्ची को मार डालेगा इंस्पेक्टर साहब, रोको इसे। टॉबी सिंह उसके साथ है। अरे टॉबी सिंह क्या करे, रोको इसे। मेरी बात सुनिए, अरे जाने दो मुझे। रवि,
देखा इंस्पेक्टर, ये मेरी बीवी है। मुझ पर गोली चलाना चाहती है, मेरी बीवी हो सकती है क्या? मैं तुम्हें मारना नहीं, बचाना चाहती हूँ। तुम गुस्से में अपने होश खो बैठे हो डार्लिंग। तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम एक पुलिस ऑफिसर नहीं, तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो और ये औरत मुझे जीते जी मार देगी। देखो, मेरा आखिरी सबूत मेरी बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को गोली मारूंगा। पीछे हटो। कपूर, मेरी बात सुनो। मिस्टर कपूर, एंथनी को मेरी बच्ची तक नहीं पहुंचा। देखो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मिस्टर कपूर, एंथनी को मेरी बच्ची तक नहीं पहुंचना चाहिए। इंस्पेक्टर, डोंट स्टॉप मी, प्लीज डोंट स्टॉप मी। मिस्टर कपूर, नहीं इंस्पेक्टर, मुझे मत रोको, मैं मजबूर हूँ। चलो चलो, नहीं इंस्पेक्टर, एक बच्ची अपनी माँ को पहचानने में कोई गलती नहीं। बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बच के कहाँ जाओगे रवि? मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं मिली। मैं पूछ रहा हूँ मेरी बेटी गीता कहाँ है? देखो एंथनी, मैं पूछ रहा हूँ मेरी बेटी कहाँ है? पता नहीं, गोली मार दूंगा। पता एंथनी, पता है मेरी बच्ची कहाँ है? गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ एंथनी, मिस्टर कप, बच्ची कहाँ? बोल बोल एंथनी, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा एंथनी। मैं जिंदा छोड़ूंगा तुझे, पर नहीं, हट जा इंस्पेक्टर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसने मेरी बच्ची को मार डाला। मेरी बच्ची को मार डाला, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ रवि, तुम्हारी बेटी जिंदा है, देखो। गीता बेटी आ जा। तुम्हारी मम्मी नहीं है गीता, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये इसकी मम्मी नहीं है। बस अब और पागलपन नहीं चलने दूंगा। तुम्हारा आखिरी सबूत भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। लेकिन ये गीता की मां नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। अगर ये तुम्हारी बीवी नहीं है तो गीता भी तुम्हारी बेटी नहीं है। गीता झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोलेगी गीता? क्यों एक अनजान औरत को अपनी माँ कहेगी? तुम क्यों नहीं मान लेते कि यही तुम्हारी बीवी है? नहीं मैं ये नहीं मान सकता, ये क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी बीवी नहीं है और मैं सच कह रहा हूँ। जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ ये मेरी बीवी नहीं है। मैं कहता हूँ यही आपकी बीवी है। नहीं, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? आप उसे जाके ढूंढिए, कहीं और वो आपको जरूर मिल जाएगी। हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिली। आपने हर जगह नहीं ढूंढा, अगर आपने ढूंढा होता तो आपको जरूर मिल जाती। नहीं, हमने नेपाल का चप्पा चप्पा तलाश कर लिया है। आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूँ। आप पोखरा गए थे? हाँ। नौबिसे के रास्ते से गए थे? हाँ। नहीं, आप नौबिसे के रास्ते से नहीं गए थे। मैं उसी रास्ते से गया। नहीं, आप नहीं गए थे वहाँ। गया था। अगर आप वहीं से गए तो आपको गाड़ी कैसे नहीं मिली? कौन सी गाड़ी? टोयोटा BAC 260। ऐसी कोई गाड़ी वहाँ नहीं है। आप जाके देखिए, दोबारा करने के बाद जो कैरी खाई है उस खाई में पड़ी है, आपको मिल जाएगी। आप कैसे जानते? मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में।
थैंक यू मिस्टर कपूर, थैंक यू वेरी मच। अब आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं और आपसे यही सच बुलवाने के लिए हम सब आपको झुटलाते रहे आज तक। जिस रोज आप रिपोर्ट लिखाने आए थे कि आपकी बीवी लापता है, हमें उसी सुबह को आपकी बीवी की लाश मिल चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत गाड़ी जलने की वजह से नहीं बल्कि गला दबाकर दम घोटने की वजह से हुई थी। हमें शक आप ही पर हुआ क्योंकि उनकी मौत से फायदा सिर्फ आप ही को होता था, और आपसे अपने जुर्म का इकरार कराने के लिए काठमांडू पुलिस ने यह प्लान बनाया। आपकी बेटी गीता इस ड्रामे की आखिरी किरदार बनी। हमें से यह कहना पड़ा कि अगर वो इन्हें मम्मी नहीं बुलाएगी तो हम आपको मार डालेंगे। आई एम सॉरी। और सीआईडी इंस्पेक्टर सुधीर राय ने फादर एंथनी की भूमिका निभाई। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। और मिसेस राणा, ये एक्चुअली सुधा जी हैं, हमारे यहाँ की स्टेज आर्टिस्ट हैं। और आपकी बीवी अनीता बनी मेरी बीवी सुजाता। ना बॉबी सिंह मरा और ना डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना जो अचानक आपको मिल गए थे और जिनकी वजह से हमारा खेल वक्त से पहले खत्म होने वाला था, लेकिन सुजाता ने उन्हें भी आपकी हकीकत बता दी और वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। Excuse me, Mr. Kapoor. You'll have to go through this formality. आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें दिल्ली की पुलिस से मिली। वहीं से हमें यह भी पता चला कि आपके बीवी के नाम उनके अंकल ने 50 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे, और 50 लाख रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं होती, जिसकी वजह से आपने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। हाँ जज साहब, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, मगर दौलत के लिए नहीं। मैं तो जानता भी नहीं था कि अनीता के किसी अंकल ने उसके लिए इतनी दौलत छोड़ रखी है। मैं खुद एक रईस आदमी हूं, लाखों का कारोबार है मेरे पास, लेकिन मेरी असली दौलत थी मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरा घर। हाजा साहब, यही दौलत थी मेरी। बहुत खुश था मैं अपनी प्यार भरी दुनिया से उस वक्त तक, जब अचानक वक्त से पहले मैं काठमांडू लौटा। जी चाहता है बस मर जाओ तुम्हारी बाहों में, पिछले 9 सालों से हम यूं ही मिले। अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, इस बिस्तर पर तुम्हारे साथ। दूसरा कोई मुझे ये सुख नहीं दे सकता, रवि भी नहीं। जज साहब, मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस तरह आप अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखते तो आप क्या करते? आप क्या करते ऑफिसर राय? डॉक्टर सक्सेना, बॉबी सिंह, और आप क्या करते इंस्पेक्टर बलबीर? भगवान ना करे अगर आपकी पत्नी मेरी पत्नी की जगह होती तो आप क्या करते? आप भी वही करते जो मैंने किया। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है अनीता, मेरे विश्वास को धोखा दिया है तुमने। तुमने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अपनी हवस के हाथों मार डाला। तुम ये भूल गई कि तुम एक माँ हो, मेरे बच्चे की माँ। तुम ये भी भूल गई कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। क्यों क्यों ये तुमने क्यों किया? क्यों किया? जब मेरे अंदर का फटता हुआ ज्वालामुखी शांत हुआ तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जज्बातों में आकर मैंने अपनी बीवी को मार डाला। मेरे हाथों एक अपराध हो गया है, एक ऐसा अपराध जिसका प्रायश्चित सिर्फ मेरी मौत हो सकता है। अपने आप को कानून के हवाले करने से अच्छा मैंने समझा कि मैं गोली मार लूं अपने आप को, खुदकुशी कर लूं, खत्म कर लूं इस शर्मनाक जिंदगी को। लेकिन तब मुझे ख्याल आया अपनी बेटी गीता का, उसका क्या होगा? औलाद का प्यार बहुत स्वार्थी होता है जज साहब, मेरी ममता ने मुझे रोक लिया। अनीता की मौत के बाद गीता के लिए
मेरे सिवा और कोई भी सहारा नहीं था इस दुनिया में, इस दुनिया में जहां चारों तरफ पाप फैले हैं, जहां कोई भी एक अनाथ बच्ची को बहका सकता है। यही सोचकर मैंने कोई भी कदम नहीं उठाया जज साहब, कि पहले मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी के लिए कोई इंतजाम तो कर लूं। मैंने सारी हकीकत खत में लिखकर भारत के एक सरकारी कर्मचारी के हाथ में दे दी और कहा कि गीता की शादी हो जाने पर वो सरकार के हाथ में दे दे। लेकिन अब जज साहब आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिएगा, मत होने दीजिएगा, मत होने दीजिएगा जज साहब प्लीज। चूंकि मुलजिम रवि कपूर ने इकबाले जुर्म कर लिया है, लिहाजा अदालत मुलजिम रवि कपूर को मुजरिम करार देते हुए ताजात हिंद जेरे दफा 302 के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। रवि, नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, सजा तो मुझे भुगतनी होगी। हाँ, दुख अगर है तो इस बात का कि मेरी बच्ची गीता का क्या होगा। रवि, गीता के साथ उसके माँ बाप भी होंगे, बलबीर और मैं। हाँ रवि, जज्बात के बहकावे में इंसान गलती कर बैठता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है। अपने फर्ज के नाते मैंने जो कुछ करना था किया। अब एक दोस्त के रिश्ते से मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी को हम पालेंगे, हम उसे माँ बाप का प्यार देंगे, लेकिन कहलाएगी वो हमेशा तुम्हारी ही बेटी, गीता कपूर। थैंक यू बलबीर।